नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। अलीगढ़ में तहसील इगलास के गांव गहलू में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सेनानी बाबा अमानी सिंह को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर याद किया गया। उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी गई। वो लड़ाई लड़ी ना जी, पहले तो अलीगढ़ में लड़ी लड़ाई, अलीगढ़ बंद कर दियो। फिर मारे चले, फिर तब चले गौरे मारे, उन गौरे नौ मारे शिवार और निशोबरे दूटे दूटे का मारी सारी। फिर लड़ी लड़ाई सेमना ग्रुप है अंग्रेज लड़ाई लड़ी। बड़ा गर्व होता है जब स्वतंत्रता सेनानी बाबा मानी सिंह का गांव गहलऊ जो है इसी गांव से हम हैं। हम जहां अगर क्षेत्र में जाते हैं जहां तक हमारे बाबा की पहचान है वहां हमें बड़ा गर्व महसूस होता है जब हमारे बाबा मानी सिंह का नाम आता है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी रही। लेकिन जो को हम वहां जाते हैं कि हमसे पहले जो प्रतिनिधि हुए हैं और जो विधायक सांसद जी हुए हैं उनसे इन्होंने हमारे पंचायत के लोगों ने इनसे मदद मांगी है बाबा मानी के नाम से कि हमारे बाबा मानी सिंह को कम से कम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले, उस परिवार को दर्जा मिले, लाभ मिले, हमारी पंचायत को लाभ मिले। अलीगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण भी किया है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि देश की आजादी को आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं जिसके चलते देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 15 अगस्त का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में हर्षोल्लास से। अलीगढ़ में भी यहाँ पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसमें कलेक्ट्रेट में भी ध्वजारोहण हुआ है। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और मुख्य कार्यक्रम यहाँ का नुमाइस ग्राउंड में कृष्णांजलि नाट्यशाला में होगा जिसमें ध्वजारोहण होने के साथ साथ 10:30 बजे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा जो सायंकाल तक चले। बरेली में भाजपा नेता नसीम अहमद नियाजी और पूर्व राजस्व मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने भाजपा नेता राइस मिल एसोसिएशन उपाध्यक्ष के नेतृत्व में रोड ट्रक यूनियन रोड तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह ने अपने आवास पर स्वागत किया। इस मौके पर एडवोकेट रिजवान अहमद हसन समेत कई लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर देशभक्ति का संदेश दिया। झूलेलाल पार्क से गुरुद्वारे तक देश की विभाजन विभीषिका को लेकर मौन जुलूस जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में निकाला गया। इस दौरान विभाजन विभीषिका के बारे में दिखाकर जानकारी भी दी गई। एलईडी पर चलचित्र चलाकर विभाजन विभीषिका के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। देश को हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कड़े संघर्ष के बाद आजादी मिली है। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रशासन की तरफ से विभाजन विभीषिका एक मोहन तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये झूलेलाल पार्क से शुरू हुई थी और मसूदाबाद चौराया, जीटी रोड, सिटी स्कूल, नुमाइश से होती हुई फिर ये गुरुद्वारा गुरु नानक निवास में इसकी समाप्ति हुई थी। जो लोग 1947 में बेघर हो गए थे उनको आज तक किसी भी सरकार ने पूछा नहीं था। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खबर गाजियाबाद से है जहां पर निवर्तमान जिला पंचायत में भाजपा नेता ललित जायसवाल और बजरंग दल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो वहीं यात्रा के संयोजक देवेंद्र गिरी ने सरकार की ओर से चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान की प्रशंसा की। ललित जायसवाल ने लोगों को बताया कि ये पर्व हमें हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। ललित जायसवाल ने तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में सभी नौजवान और अपनी पूरी टीम को धन्यवाद दिया। आज की तिरंगा यात्रा
दिल्ली आईटीआई से आरंभ होकर फिर दिल्ली आईटीआई से सोम बाजार पहला पुश्ता सोम बाजार से मंगल बाजार से प्रकाश नगर से चौधरी चरण सिंह गेट और दीपक विहार होते हुए गोकुल धाम गौशाला में इसका समापन हुआ। अलीगढ़ में भाजपा महानगर महामंत्री संजू बजाज ने बताया कि जिस तरह से पूरे देश में खुशी का माहौल है, आजादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में देशभक्ति के बयार बह रही है, तो वहीं वीसी ने तिरंगे का अपमान किया, इसलिए एएमयू वीसी तारिक मंसूर का पुतला फूंका गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे देशद्रोहियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश भर में खुशी का माहौल है, आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में देशभक्ति की बयार बह रही है, वहीं अलीगढ़ के वीसी तिरंगे का अपमान किया है, इसलिए आज हमने एमयूवीसी जो कि तारिक मंसूर है उनका हमने पुतला दहन किया है। गोंडा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तमाम प्रतिष्ठानों और संगठनों की ओर से पहाड़ापुर करनैलगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी का अमृत महोत्सव पर स्वर्णकार महासभा के जिला प्रभारी अगुवाई में और ग्राम प्रधान की ओर से तिरंगा पद यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि स्वर्णकार महासभा के जिला प्रभारी श्री नाथ रस्तोगी अनिल कुमार गोस्वामी के साथ तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। शाजापुर में आजादी के 76 साल होने पर आजादी का अमृत महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रशासन ने जनपद के कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 75 महिलाओं को सम्मानित करने का फैसला लिया। इसी क्रम में अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया। आयोजित कार्यक्रम में कई विभागों से आई बालिकाओं एवं महिलाओं ने अपना परिचय देते हुए अपने काम के बारे में बताया। मुख्य अतिथि मंत्री वित्त सुरेश कुमार खन्ना और राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई प्रेरणादायक पुस्तकें देकर सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मानित किया गया, एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है। जिन लोगों का अपने विभागों में बेहतर प्रदर्शन है, अच्छा काम है, हेल्पिंग एटीट्यूड है, उन लोगों को चयनित करके आज सम्मानित किया गया, क्योंकि बहुत अच्छी शुरुआत है। सुल्तानपुर में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शान से तिरंगा लहराया गया। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों और स्कूलों पर ध्वजारोहण किया गया और डीएम समेत अन्य लोगों ने कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। तो वहीं पर देश को आजाद कराने में प्राणों को न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को भी याद किया गया। भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे हर घर तिरंगा अभियान चला है, जिसमें हमारे पूरे जनपद ने बहुत ही जोश के साथ प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों और सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि हम इस अवसर को अपने देश की एकता और अखंडता को और सुदृढ़ करने के लिए संकल्प लें और आगे जो अमृतकाल है 25 वर्षों का, उसमें देश को उन्नति की राह पर बहुत तेज़ी से, बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध होएं। औरैया जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक दलित छात्र के परिवार वालों ने प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक शिक्षक पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उसके बेटे को शौचालय में बंद कर दिया गया, वहीं 18 घंटे बीत जाने के बाद छात्र को स्कूल के शौचालय से निकाला गया। परिजनों ने शिक्षक की शिकायत थाने में की, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि बेला थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पिपरौड़ी स्ट्रीम में
एक दलित छात्र को शौचालय में बंद करने का मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा मौके पर जाकर के पीड़ित परिवार से स्वयं मिल करके उनसे तहरीर प्राप्त कर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराते हुए अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है और जनता के बीच भी 15 अगस्त को लेकर खास उत्साह दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में स्थित प्राइम टीवी में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक ने झंडा फहराया और इस दौरान सीएमडी ऋषभ श्रीवास्तव के साथ चैनल का पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। तस्वीरों में देख सकते हैं आप डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की पत्नी और समाज सेवी नम्रता पाठक आज प्राइम टीवी पहुंची, जहां उन्होंने ध्वजारोहण किया, राष्ट्रगान में भाग लिया, साथ ही साथ सीएमडी और पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा स्टाफ आपको आज तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा, देशभक्ति की भावना में नजर आएगा। लखनऊ में यूपी पुलिस के मुखिया डीएस चौहान ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय में झंडारोहण किया। इस दौरान प्रदेश में बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मी और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने सभी देशवासियों को इसकी बधाई दी है और साथ ही डीजीपी ने अपने संबोधन में पुलिस के काम की सराहना करते हुए बताया कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं सबसे पहले ये रिकग्नाइज करना चाहता हूँ कि हमारी जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है पुलिस डिपार्टमेंट की वर्किंग के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए। जो हमारी कमियाँ होती हैं उनको आप इंगित करते हैं, आप के माध्यम से हम उनको सुधार करते हैं एवं अपने प्रदेश की जनता को एक बहुत उच्च कोटि की पुलिसिंग प्रदान करते हैं। मैं आप सब के सहयोग के लिए बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ अपने हर जवान की तरफ से, हर अधिकारी की तरफ से। देश को आजाद हुए आज 75 साल हो चुके हैं और देशवासी इस पर्व को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में सभी चौराहों पर 9 बजे ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट जलाकर राष्ट्रगान बजाया गया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा इस सुगम पहल का सभी राजधानी वासियों ने स्वागत किया और एक साथ रेड सिग्नल पर खड़े होकर राष्ट्रगान के सम्मान में गीत भी गाए। अच्छी बात है कि सायरन देने के बाद इन्होंने यातायात को रोका पूरा, और ये हर नागरिक के लिए अच्छी बात है कि जो जहां है वो इसमें पार्ट ले सकेगा, राष्ट्रगान में पार्ट ले सकेगा। तो ये और एक देशभक्ति को जगाने की प्रबल कोशिश है, ये तो अच्छी बात है। ट्रैफिक लाइट अच्छा लग रहा है, हम तो पहली बार बाहर निकल के आए हैं आज, क्योंकि यहाँ पर होना था इसलिए निकल के आए हैं और अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा देशभक्ति का फीलिंग आ रहा है कि हाँ, सारे लोग इसमें आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और हमें देशभक्ति का याद दिला रहे हैं। इस चौराहे पे ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना पड़ा लोगों को, लोग खुद ही जागरूक थे और ज्यों ही राष्ट्रगान का शुरुआत हुआ सारे चौराहे पे लोग रुक गए थे, सारी गाड़ियां रुक गई थी, सारे लोगों ने अपने देश के इस राष्ट्रगान का सम्मान किया और ये बहुत ही शानदार अवसर था और लोगों के अंदर एक भावना जगी है कि हमें अपने देश को आगे लेके बढ़ना है और 75वें सालगिरह को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। राजधानी लखनऊ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर सिग्नल पर रेड लाइट में 9 बजे तकरीबन राष्ट्रगान गाया जाएगा। इस वक्त मैं 1090 चौराहे पर अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार यहाँ का नज़ारा दिखाएं, किस तरह से लोग यहाँ पर स्टैंडिंग देखिए आप, गाड़ी रोक के खड़े हैं, राष्ट्रगान के धुन से धुन मिला रहे हैं, खड़े हैं पूरी तरह से यहाँ पर। ये ज़िंदगी में, लाइफ में पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि हर व्यक्ति राष्ट्रगान गा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से हर वो व्यक्ति खड़ा है जिसमें एक राष्ट्र प्रेम की भावना हो, देख सकते हैं किस तरह से हर वो व्यक्ति, दूर दूर तक आपको नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि हर व्यक्ति वो खड़ा है राष्ट्रगान के सम्मान में। ये राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है और ये 1090 चौराहे का वो मंजर है जो शायद पहले, इससे पहले कभी देखने को ना मिला हो।
देख सकते हैं पूरी किस तरह से ट्रैफिक यहाँ पर पूरी तरह से रुक गया है। यहाँ पर लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होकर राष्ट्रगान गा रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है। एक देशभक्ति की भावना है, देशभक्ति की, देश प्रेम का भावना है जो यहाँ पर हमेशा से जीवित रहा है। वंदे मातरम के भी नारे लगाए जा रहे हैं। 1090 का चौहा का ये माहौल है, वंदे मातरम के नारे और साथ ही साथ एक देशभक्ति की भावना, तिरंगा हाथ में लिए हैं और तिरंगे के साथ ही साथ एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि देश आज 75वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है जो कि आज हम पहुंच गए। 75 साल देश को हो गए, आज़ाद हुए, अमृत महोत्सव के रूप में हम इसे मना रहे हैं। देश में हर वो व्यक्ति इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। सीएम योगी और पीएम मोदी की अपील थी कि हर वो जगह पर, हर जगह, हर घर, हर तिरंगा फहराया जाए। तो आपको बता दूं कि लखनऊ में हर वो जगह पर, हर घर पर आपको तिरंगा देखने को मिलेगा। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी होता रहे। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग लगातार जा रहे हैं और आपको हर गाड़ियों में, हर गाड़ियों में तिरंगा लगा हुआ मिल जाएगा। एक देशभक्ति की भावना है जो हम और आप में हमेशा जीवित रहेगी। कैमरामैन विजय के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे सरकारी हो या निजी, सभी जगह पर इस महापर्व को लेकर अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही देश भर में चल रहा तिरंगा अभियान इस महापर्व को और भी यादगार बना रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ के पुलिस रेडियो मुख्यालय में आज़ादी के इस महापर्व की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति की गई। जिस प्रकार से पूरा देश इस समय उत्सव से सराबोर है इस 75वीं वर्षगांठ को मनाने में, उसमें रेडियो मुख्यालय भी अपनी पूरी सहभागिता निभा रहा है और एक साप्ताहिक कार्यक्रम जो 11 अगस्त से लेकर के चल रहे हैं, हमारे 17 तक चलेंगे, उसमें प्रतिदिन हम कोई ना कोई एक्टिविटी रखते हैं जिसमें कभी वीर संध्या रखते हैं, कभी कंट्री दौड़ रहती है, साफ सफाई से लेकर के विभिन्न प्रकार के आयोजन हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोगों ने जो रेडियो मुख्यालय परिवार है उनके बच्चों के कार्यक्रम रखे हैं, साथ ही आल्हा का भी, जो बुंदेलखंड का और महोबा से प्रसिद्ध गीत है, आल्हा का भी यहाँ पर गायन हुआ। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को मनाने में सारे देशवासियों में उत्साह दिखा और सभी लोगों ने देश की आज़ादी की अहमियत को बखूबी रूप से समझा। वहीं लखनऊ की काकोरी तहसील में सरोसा भरोसा गांव के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने विद्यालय परिसर में अलग अलग कार्यक्रम दिखाए और साथ ही अमृत महोत्सव के बारे में बखूबी तौर से जवाब दिया। देखिए विद्यालय परिसर की एक खास रिपोर्ट। सरोसा भरोसा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में, जहाँ पे बच्चों के अंदर एक अलग सी खुशियाँ देखने को मिली, जहाँ पे नए नए तरीके से छोटे छोटे बच्चे अपना कलाकारी कर रहे हैं और नृत्य दिखा रहे हैं। तो जैसे कि सरकार अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, हर घर तिरंगा लहराने का काम कर रही है, इन बच्चों ने कुछ दिन पहले रैलियाँ भी निकाली थी। और आइए यहाँ पे बच्चों से बात करते हैं, हमारे साथ में एक बालिका खड़ी हुई, इससे बात करते हैं। बेटा, आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? सर, आज स्वतंत्रता दिवस है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि हम पहले विदेशों के गुलाम थे। हमारा भारत जो कि सोने की चिड़िया कहलाता है, पूरी तरीके से हमारी सोने की चिड़िया विदेशी जार में फंस चुकी थी। हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने, वीर देशभक्तों ने लाखों बलिदानों से, करोड़ों प्रयासों से हमारे सोने की चिड़िया को विदेशों की जाल से आज़ाद करवाया और आज हम उन्हीं के कारण, उन्हीं के बलिदानों की वजह से आज़ाद भारत में जी रहे थे। 1947 15 अगस्त को ही हमारा भारत आज़ाद हुआ था, इसीलिए आज के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए हम इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मैम, ये बताइए, आप अपने देश के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक मेरे संदेश देने की बात है, तो हम ये देख रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि नाम है, अमृत महोत्सव, अमृत के समान हमारे गलों में, हमारे गले से लेकर हमारे शरीर में वो अमृत बहने लग गया है। तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, वो हमारी खाती है, हमारे देश का एक गहना है समझ लीजिए। और अगर वो अपनी जगह पे खड़े रहकर ही, जहाँ पर वो है, जैसी भी स्थिति में है,
अपना बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं जो उनके संसाधन है, चाहे वो सीमित हो या असीमित हो। ये बात करते हैं, हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल मैम भी खड़ी हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैम ये बताइए, पिछले साल की तुलना से इस साल की तुलना में कोई फर्क नजर आया है? यद्यपि 15 अगस्त यहाँ मेरा पहला है, लेकिन इससे पहले मैं 26 जनवरी को यहाँ थी। हर साल हम लोग आम प्रोग्राम की तरह, आम पर्व की तरह ही मनाते थे, लेकिन इस बार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी के द्वारा अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई, इसके अंतर्गत हम लोगों को तरह तरह के प्रतिदिन कार्यक्रमों को संपन्न कराने का अवसर मिला, लोगों से मिलने का अवसर मिला, लोगों को जागरूक करने का अवसर मिला। हमारे बच्चों ने घर घर जाकर लोगों को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया, हम लोगों ने रैलियाँ निकाली, रैलियों के द्वारा लोगों को जागरूक किया, आज़ादी के महत्व को बताया और हर घर को तिरंगे के सम्मान के लिए प्रेरित किया। तो ये थी इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका, जिनका साफ तौर पर कहना कि हर घर तिरंगा, घर घर जाके हमने खुद लगवाया, बच्चों ने लोगों के साथ मिलकर तिरंगा लगाने का काम किया है। कैमरामैन हरिशंकर के साथ वीरेंद्र कुमार, प्राइम टीवी लखनऊ। वाराणसी में हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर मदरसा फारोग में अरबी निस्वा के मैनेजर मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा बच्चों से कहा गया कि अपने घरों पर तिरंगा लगाकर 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत उत्सव मनाना है। घर घर तिरंगे का प्रोग्राम चलाना है और गवर्नमेंट ने उसका शेड्यूल भेजा है, उस शेड्यूल के हिसाब से जिस जिस दिन जो चीज़ें थी, जैसे निबंध लेखन का प्रोग्राम हो गया, पेंटिंग का प्रोग्राम हो गया, ये हर चीज़ें तिथि बार मेरे मदरसे में कराई गई और एक प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें हर बच्चे जो है तिरंगा लिए हुए बैनर पोस्टर के साथ प्रभात फेरी में शामिल हुए मदरसे के। कानपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव और 76वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन, मंडलायुक्त कार्यालय, जिलाधिकारी में धूमधाम से ध्वजारोहण किया गया। तिरंगे को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान हुआ, वहीं पुलिस लाइन में काम करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। मंडलायुक्त कार्यालय में कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने ध्वजारोहण करके तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान सभी ने देश के वीरों स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें नमन किया। मैं कानपुर के सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आइए आज इस पुनीत दिवस पर हम सब प्रण लें कि देश की प्रगति में, देश के विकास में हम सब मिलजुल कर योगदान देंगे और देश को दुनिया का एक सशक्त देश, एक महाशक्ति के रूप में बनाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद, मैं पुनः सभी को अभिनंदन देता हूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा यात्रा के चलते 75वें स्वतंत्रता दिवस पर यूनिक एकेडमी स्कूल ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्कूल के बच्चों ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों के घर घर जाकर तिरंगा भी लगाया। इस दौरान राष्ट्रगान की आवाज से पूरा स्कूल गूंज उठा। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि हमारे यूनिक एकेडमी स्कूल का ये 25वां सालगिरह है और हमने भारतवर्ष का 50th ईयर भी मनाया था एक साथ और 75th इंडिपेंडेंस ईयर भी मना रहे हैं। और जैसे मोदी जी का नारा है हर घर तिरंगा, इसी तरीके से मेरे आज बहुत प्यारे और मेहनती बच्चों ने एक रैली निकाली थी हमारे अपने खुद के स्कूल प्रमाइसिस में और पूरी कॉलोनी में उन्होंने झंडे बांट रहे हैं और प्रेसिडेंट्स के साथ फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के MP थिएटर में कुलपति ने तिरंगा फहराया। कुलपति सुधीर कुमार जैन ने विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राओं के साथ MP थिएटर के मैदान में ध्वजारोहण किया। कुलपति सुधीर कुमार जैन ने अमृत महोत्सव पर कहा कि देश 75 साल में बहुत प्रगति किया है और आगे भी बहुत करना है। देश ने बहुत प्रगति की है 75 साल में, लेकिन अभी बहुत प्रगति बची है, तो हमको बहुत ही गर्व होना चाहिए, लेकिन हमको बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही लगन के साथ देश को और मजबूत करना होगा। उसके लिए हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे कॉलेजेस को, हमारे स्कूलों को मजबूत करना होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना होगा। अगर हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी पर इन्वेस्ट करेंगे, उन पर मेहनत करेंगे, तो देश मजबूत होगा।
हरदोई में 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस लाइन में ध्वजारोहण के लिए सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया गया और बताया गया कि पुलिस बल एक अनुशासित बल है जिसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। चुनौतीपूर्ण दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया जाता है। हमें अपने आप को हमेशा ऊर्जावान रखते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। कार्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ध्वजारोहण करके हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाया गया। सुल्तानपुर में स्वतंत्रता दिवस पर तमाम विभागों और स्कूलों पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम कई तरीके से मनाया गया। तो वहीं हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया जहां पर सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों और स्कूलों पर ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी रविश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट में झंडा फहराया। जिलाधिकारी रविश गुप्ता ने कहा कि देश को आजाद कराने में हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों को बलिदान दिया है। हमने भी अपने कैंपस में पूरा ध्वजारोहण किया है। हर जगह पर स्कूल में भी 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पूरा लगातार ध्वजारोहण है। इसके अलावा हमने प्रभात फेरी भी निकाली है। आज भी हमारे बच्चे शहर में गए थे और लोगों को इस बात से उत्साहित करने के लिए कि सबके सब मिलकर इस 75वें वर्षगांठ को बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाएं। और हम देख भी रहे हैं इसके आगे कि हर धर्म हर जाति के लोग सब ने अपने मतभेद छोड़ते हुए सब आगे आ रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे हर घर तिरंगा अभियान चला है जिसमें हमारे पूरे जनपद ने बहुत ही जोश के साथ प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों और सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि हम इस अवसर को अपने देश की एकता और अखंडता को और सुदृढ़ करने के लिए संकल्प लें। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता से जुड़े आयोजन किए जा रहे हैं और तिरंगा फहराया जा रहा है। इस दौरान स्कूली बच्चों ने तरह तरह की वेशभूषा बनाकर कार्यक्रम में भाग लिया। तस्वीरें देख सकते हैं आप, चंदौली, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, सभी जगह किस तरह से आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं सड़कों, गलियों, चौराहों के साथ घरों और दुकानों सहित तमाम जगहों पर तिरंगा देखने को मिला और सभी थाने चौकियों को तिरंगे और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। इस दौरान लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। बरेली, गोरखपुर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से माहौल पूरा तिरंगामय हो गया। अयोध्या में देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी कार्यालय हो या फिर प्राइवेट, सभी पर तिरंगा शान से लहराया गया। कमिश्नर नवदीप रिणवा, डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी प्रशांत वर्मा ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। सभी अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अमृत महोत्सव के तहत कमिश्नर डीएम कार्यालय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और उसी कड़ी में जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है, यहाँ बड़े हम लोगों ने उल्लास के साथ इसका मना रहे हैं इसको। और अभी ध्वजारोहण के बाद सभी जो हमारे कर्मचारी थे उनको हमने संबोधन किया है और उसके बाद हम लोग सूक्ष्म जलपान करेंगे और इसको आज पूरे दिन यहाँ कार्यालय में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं सभी मंडलवासियों को, सभी अयोध्या वासियों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि आज़ादी के इस खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं। और आज के इस दिवस पर मैं उन्हीं सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ आज बड़े उत्साह के साथ देश भर में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में आज पुलिस लाइन अयोध्या में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें हमने अपने अधिकारियों और जवान साथियों के साथ प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में मैंने इतिहास की तरफ देखते हुए अपने साथियों का हौसला बढ़ाया है।
गाजीपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की 75वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, जिसके तहत राइफल क्लब में प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने झंडारोहण किया। इस दौरान जिला अधिकारी के साथ समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सहित सभी जिम्मेदार अधिकारी राष्ट्रगीत पर सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। अपने उन शहीदों को याद करने के लिए, अपने उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए शायद इससे अच्छा अवसर इस देश में नहीं हो सकता। आज 15 अगस्त है, आज़ादी के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। हम सब भारतवासी कहीं न कहीं से पहली बार जिस तरीके से तिरंगे को हर घर पे फहराने का सौभाग्य मिला है, हर भारतवासी आज अपने घर पर तिरंगा झंडा फहरा रहा है और सड़कों पर एक जनसैलाब उमड़ा है, हुजूम उमड़ा है। स्कूल कॉलेज और बच्चों तक सीमित रहने वाला यह पर्व आज हर घर तक पहुंचा है, जन जन तक पहुंचा है। हम इसके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से आभार प्रकट करते हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।